थाना परिसर में जनता दरबार के दौरान दो पक्षों में हुई झड़प। खबर दरौंदा थाना परिसर की है, जहां प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी दरौंदा थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर जमीनी विवाद मामलों का निष्पादन अंचल अधिकारी कर रहे थे। तभी सिरसाव पंचायत के एक जमीन मामले के निष्पादन को लेकर दो पक्षों में आपस में ही मारपीट हो गई। बता दें कि एक पक्ष का आरोप है कि अंचल अधिकारी और दरौंदा पुलिस के सामने ही थाना परिसर में मारपीट हो गई और पुलिस देखती ही रह गई। वहीं पूछने पर दरौंदा अंचल अधिकारी पारस रत्नायर ने बताया कि मारपीट का आरोप बेबुनियाद है। आज जमीनी विवाद मामले का निष्पादन के लिए दरबार लगाया गया था, जिसमें केवल दो पक्षों में झड़प हुई थी, मारपीट की बात अफवाह है। है जमीनी विवाद के लिए जबरदस्ती मैंने हमने के गरीब आदमी बनी सन हमने के मैंने कोई आवश्यकता नहीं है आ नहीं जबरदस्ती मार के ये सब डरवा के जबरदस्ती मैंने हमारे जमीन लोग पकड़ के रख ले बा अभी तक धमकी देते है मार दे मुआ दे। दूसरा नंबर के सीओ साहब के लग गए हैं सभापति जी खड़ा रहनी है वहाँ से जबरन इनकर कालर पकड़ के अनिल सिंह भुवनेश्वर सिंह के लड़का अनिल सिंह लॉकअप में बंद करे खातिर उनकर मैंने का हस्ती पे प्रशासन के रहते हुए बंद करे के प्रशासन परिचय हमार परिचय सिसाव मठिया नाम रामचंद्र माझी। अभी यहाँ पे मारपीट हो गई है, भूमि विवाद का तो निपटारा यहाँ किया जाता है, होना ही है। भूमि विवाद का तो दोनों पक्ष में वाक युद्ध हुआ है, मने वो कह रहा है कि हमारा पक्ष सही है, वो कह रहा है हम कागज देख हम लोग बोले कागज देखेंगे और अगले शनिवार को आप लोग आइएगा, यही तो हुआ है। झगड़ा हम लोग कराने के लिए थोड़े बैठे हैं। परिचय आप देख ही रहे हैं, थाना में जनता दरबार अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी हैं।